रामनवमी के दिन जीरापुर माता मंदिर में प्रत्येक वर्ष यहां हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और पूरे मालवा निमाड़ क्षेत्रों से व्यापारी भी अपनी अपनी दुकान लेकर आते हैं। यहां पर प्रत्येक वर्ष अष्टमी की शाम को मालवा सेवा समिति द्वारा विशाल भजन संध्या होती है और रामनवमी के दिन माता जी के विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें पुलिस प्रशासन और समिति के सदस्यों और ग्रामीणों का व्यवस्था में अधिक योगदान रहता है। मगर देश में चल रहे कोरोना वायरस की वजह से मंदिर के समस्त कार्यक्रमों को निरस्त करना पड़ा। किसी श्रद्धालु को मंदिर परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। धर्मपुरी से कैलाश मावी की रिपोर्ट। जीरापुर माता मंदिर में आज रामनवमी का दिन है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में यात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। हम यहाँ मंदिर के सदस्यों से चर्चा करेंगे, समिति के सदस्य से चर्चा करेंगे कि इस बार किस प्रकार से यहाँ पर मतलब रोक लगा दी गई। प्रतिवर्ष कितने जनसंख्या आती है? यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या जनसंख्या आती है। यात्री लोग निमाड़ क्षेत्र से आते हैं, आसपास खचाखच माहौल भरा रहता है। बसें, ट्रक, छोटे मोटे वाहन करके लाखों की संख्या। तो अभी जब से जिसे नवरात्रि स्टार्ट हुए, हाँ, तब से तो कुछ न कुछ तो आए होंगे भक्त लोग दर्शन करने के लिए। भक्त लोग आए, पर SDM साहब, तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन, इनका सहयोग रहा तो किसी को आने नहीं दिया। लुनेरा से उन्हें वापस उधर ही उनके माहौल में उनको गांव तरफ ही कर दिया वापस। आपका नाम? मेरा नाम कैलाश तायर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।